हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूँ आपके साथ दिशा। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। करनाल स्थित सावित्री लॉन नजदीक रेलवे स्टेशन में कांग्रेस ओबीसी विभाग की ओर से आयोजित पिछड़ा वर्ग न्याय चौपाल कार्यक्रम में कांग्रेस पिछड़ा वर्ग विभाग के राष्ट्रीय चेयरमैन और पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव ने रमेश सैनी चेयरमैन कांग्रेस ओबीसी विभाग की ओर से जारी किया गया नियुक्ति पत्र पार्षद मिथुन वर्मा एडवोकेट को सौंपा, जिसमें मिथुन वर्मा को प्रदेश कांग्रेस ओबीसी विभाग हरियाणा का महासचिव नियुक्त किया गया है। नव नियुक्त कांग्रेस ओबीसी विभाग के प्रदेश महासचिव मिथुन वर्मा एडवोकेट ने अपनी नियुक्ति पर लोकसभा सांसद प्रभारी उत्तराखंड और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव कुमारी सहजा, कांग्रेस ओबीसी विभाग के राष्ट्रीय चेयरमैन कैप्टन अजय सिंह यादव, प्रदेश अध्यक्ष रमेश सैनी, आयोजन में उपस्थित विधायक शमशेर सिंह गोगी और कार्यकारी अध्यक्ष एचपीसीसी सुरेश गुप्ता समेत अन्य नेताओं का आभार जताया। करनाल से हमारे एडिटर इन चीफ राजेंद्र भारद्वाज की रिपोर्ट। बहुत बहुत शुभकामनाएं दी आपको, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज एक नियुक्ति पत्र देकर सम्मानित करने वाले प्रदेश अध्यक्ष आज श्री रमेश सैनी जी, एक बार जोरदार तालियों के साथ ही धन्यवाद। ओबीसी समाज और हमारे एससी समाज का तुलबा कांग्रेस पार्टी में बढ़ रहा है और आने वाली सरकार कांग्रेस पार्टी की है, ये आप सभी भली भांति जानते हैं। एक बार हमारी पार्टी के लिए जरा जोरदार नारा। हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।